Hello everyone, in today's video I'm going to discuss the central idea of the poem "All Things of Beauty" by John Keats. But before starting this video, I have a small request. Please watch this video till then. So without a further ado, let's get started. Central idea of the poem. The main idea of John Keats' poem "Things of Beauty" is that beautiful things brings us joy and happiness that lasts. Things of Beauty का जो एक main idea है कि जो सुंदर चीजें होते हैं वो हमें जॉय देते हैं. जॉय मीन्स हैप्पीनेस और हैप्पीनेस ऑब्वियसली मीन्स हैप्पीनेस. जॉय मीन्स एक तरीके से मन में एक आनंद देना और साथ ही साथ एक खुशी भी प्रकट करते हैं. ठीक है, और जो खुशी और आनंद लंबे समय के लिए हमारे दिल में दिमाग में रहते हैं. व्हेन वी सी द ब्यूटीफुल थिंग, द पोएम हाईलाइट्स हाउ नेचर, आर्ट एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज कैन अपलिफ्ट अस एंड प्रोवाइड कम्फर्ट इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. ये लाइन हमें बताता है कि कैसे नेचर और आर्ट और कोई हमें प्रेरणा देने वाला कहानियां जो होते हैं हमारे स्पिरिट को कैसे ऊपर अपलिफ्ट करते हैं. ठीक है, एंड साथ ही साथ एक तरीके से हमें कंफर्ट दिलवाते हैं. ठीक है, इवन व्हेन वी आर हैविंग डिफिकल्ट टाइम्स इन आवर लाइफ, सो एट दैट पॉइंट भी हमें एक तरीके से कंफर्ट प्रोवाइड करता है. व्हेन वी सी द नेचर, व्हेन वी सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, व्हेन वी सी द आर्ट ऑफ नेचर, और व्हेन वी हियर इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम बुक्स सम प्लेसेस, सो एक ब्यूटी जो है हमें हमारी सोल को एक तरीके से अपलिफ्ट करते हैं, एक अपलिफ्टमेंट मिलते हैं हमें. Keats celebrates the lasting impact of beauty on our lives. John Keats एक lasting impact of beauty हमारे life में एक तरीके से डाल के जाते हैं, या तो हमें एक celebrate करवाते हैं कि जो beauty जो है हमारे life में एक important role play करते हैं. यही इस poem में एक central idea है, और I hope आप लोगों को ये पसंद आया होगा छोटा सा central idea. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe, and see you in the next video.